आप भी बड़ा बनना चाहते हैं? अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो ये 10 मिनट मेरे साथ दीजिए। विश्वास मानिए, हम आपको उस बुलंदी तक पहुंचा देंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बात करने वाले हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, कौन कितना ले ले। कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है, कोई रेट का कंपटीशन नहीं है। आप अभी जाकर के देखेंगे अमेजोन पे, आप भी खरीदते होंगे, जिसमें कोई कंपनी के लोगो नहीं होता, कोई कंपनी की पहचान नहीं होती, सिर्फ आपको पसंद आ जाए, आप अपने पसंद से पैसा देते हैं। दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, आप भी, हर एक इंसान, हर वो एक इंसान कर सकता है जो 18 साल क्राफ्ट कर चुका है, चाहे वो 18 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 80 का हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे जो भी हो, सब कर सकते हैं। बस अर्थे आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, हमको कुछ करना है, हमको भी अपने शौक को पूरा करना है। तो दोस्तों, हम समय को ना गंवाते हुए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सलवार सूट, लेडीज सलवार सूट की, सलवार सूट की बात करने हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आप खुद खरीदते होंगे, सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें सिर्फ आपको कपड़ा पसंद आ जाए, रेट की कोई बात नहीं होती। आप एक शहर में लेंगे, उसी का आप दे देंगे 50 रुपये, 500 रुपये, उसी का 5000 या ऐसे कुछ। अगर आप उसी में क्वालिटी थोड़ा लेके चलेंगे, रेट जो शुरू होता है, अभी हम आपको शुरू से अंत तक बताते हैं कैसे खरीदारी करेंगे, कहाँ से कितने से खरीद के कितने में बेच सकते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना लोग ले रहे हैं, आप क्यों पीछे हैं, आप भी उसमें जुड़ जाइए। चलिए मेन बात पे हम आते हैं, हमको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कागज की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमको एक रूम की ज़रूरत होती है, हमने सब लिख दिया है बोर्ड पर, ये देख सकते हैं, अभी हम बता दे रहे हैं। हमको एक रूम की ज़रूरत होती है, और रूम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 120 स्क्वायर फीट का रूम होगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद हमको जो मेन ज़रूरत है, वो एक GST नंबर लेना पड़ेगा, जो फ्री ऑफ कास्ट है। आप किसी भी जनसुविधा केंद्र पे जाके अप्लाई कर देंगे तो वो मिल जाएगा, 2 से 3 दिन में वो हो जाता है। और उसके बाद हमको होता है उद्योग आधार नंबर, ये भी ऑप्शनल है दोस्तों। क्या है? ऑप्शनल है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप इसको ले लेते हैं, बाद में अपनी बड़ी कंपनी डालते हैं, तो आपको लोन लेने में इजी हो जाएगा, आप ज़रूरत हो। और उसके बाद आता है आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप अगर MD बनना चाहते हैं, CEO बनना चाहते हैं, आपको लगे कि मैं किसी कंपनी का MD बनूंगा, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होता है, उसकी फीस 20,000 रुपये है, आपको ये भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको कहाँ से होगा दोस्तों? आप नेट पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, सर्च कर लीजिए कि हम कंपनी, हाउ आर कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो तमाम कॉन्टेक्ट नंबर आ जाते, आप करवा सकते हैं। और उसके बाद बाकी है, आप यही, जैसे आपने फ्लावर फूड का जो लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका एक आपका यूनिक नाम चुनना होगा। उसका क्या नाम रख रहे हैं? तो उसका नाम जो भी आप रख रहे हैं, वो उसी दुकान का, चाहे उस नाम पे रख लीजिए, चाहे दुकान का दूसरा नाम आप रख लीजिए जिस पे GST नंबर वगैरह ले रहे हैं, या जो ब्रांड आप बनाना चाहते हैं, हम उसको जो है आगे चल के e-commerce कंपनी पे भी बेचेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन बेचेंगे, तो आप एक ब्रांड नाम चॉइस कर लीजिए अपने हिसाब से समझ के। और उस ब्रांड नाम का आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा दोस्तों, 6,000 रुपये लगता है। ट्रेडमार्क इसलिए लेना पड़ता है, अगर आप ट्रेडमार्क ले लिए तो फिर इस कंपनी से, इस नाम से कोई नहीं बना पाएगा। आप मेहनत करके अपना एक ट्रेडमार्क बना रहे हैं, माल को पॉपुलर कर रहे हैं, तो उसके जिससे कोई कॉपीराइट ना कर पाए, इसलिए ट्रेडमार्क लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, एक हो गया ट्रेडमार्क, जो कि 6,000 रुपये लगता है, किसी के द्वारा आप करवा सकते हैं। और होता है, अब बात ये आ गई, जैसे आपने लिया, एक कागजात हो गए, अब आपको अपना जो बॉक्स चेक बनवाना पड़ता है, वहाँ से जहाँ से आप कपड़ा लोगे, जैसे भी लोगे, अभी हम बता रहे हैं, वहाँ से आपको लूज मिलेगा, वहाँ पे लूज मिलता है, तो आपको जाकर के वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जो फैंसी लेना, जैसे भी लेना है, आपने डिसाइड कर लिया, तो वहाँ से आपको लूज मिल गया। लूज लाने के बाद आप अपना बढ़िया से डिब्बा छपवा लीजिए दोस्तों, बढ़िया डिब्बा, फर्स्ट क्लास डिब्बा, चूँकि पैकिंग ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पैकिंग आप डिब्बा ले लिए और डिब्बे पे अट्रैक्टिव पैकिंग छपवा दिए, उसके पे लिखा जाएगा डिब्बे, आप अपने दुकान का जो नाम डाले हैं उसी का मार्केटेड वाइज, क्योंकि आप बड़ा काम करने जा रहे हैं,
अच्छा काम करने, अगर वो ऐसे बेसन है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो उसको बड़ी फिटूल ढंग से कैसे, तो उस पर होगा मार्केटेड वाइज, जैसे अपने दुकान का नाम जो रखा वो रख दीजिए और उस पर एड्रेस पड़ेगा। और MRP दोस्तों, MRP आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, MRP जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं, और जो अभी आप शुरू करेंगे वो फ्री फाइल लीजिए, यानी कि जो 14 साल के बाद सब पहन सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, आप भी लेते हो, सब लोग उसको फिटिंग कराते हैं, कोई भी आप सूट लाएंगे बिना फिटिंग कराए आप नहीं पहन सकते, तो फिटिंग कराना पड़ेगा, तो फ्री साइज रखेंगे। अब उसके बाद वहाँ से तो ऐसे छप के निकलता है, छोटा सा स्टीकर लगा होता है, उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना एक स्टीकर छपवाएंगे, जो भी दुकान का नाम रखें, जो भी आप रखें उसे MRP और दुकान का नाम वो स्टीपर पे लगाया जाता है, उसे लगा दिया जाएगा, वो छपवाना पड़ेगा, वो भी 2 से 3 रुपये में छप जाएगा, आप किसी भी स्टीकर वाले के यहाँ जाएंगे वो छप जाएगा, और उस डिब्बे पे बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी सब कुछ आप लिखवा दीजिएगा। अब दोस्तों, जैसे अब आपने ये चॉइस कर लिया कि आपका सब कुछ रेडी हो गया, क्या क्या कागजात लगेंगे, कैसे लगेंगे, अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो है इसको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, जो मेन बात होती है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे बेचेंगे, कैसे फ़ायदा हो। अब इसकी जो मार्केट है, ये आपको अभी मशीन नहीं डालना दोस्तों, जैसे बहुत लोग बताते हैं मशीन डाल, आपने 10 लाख 20 लाख का कोई भी उद्योग लगा लिया तो सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रॉब्लम आती है। अभी आप मार्केट समझ लीजिए, अक्सर 80 से 90% लोग मार्केटेड बाई ही कर रहे हैं, मैनुफैक्चर नहीं करते हैं, मैनुफैक्चरिंग रिस्क नहीं लेते हैं, कंपनी का रिस्क प्लस उसके एम्प्लॉई का रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ आपका 5 से 10% महंगा प्रोडक्ट बनता है, वही 5 से 10% का मार्जिन लेकर के वो मैनुफैक्चर कंपनियां करती हैं, वहीं पे आपको दे देंगी। आप बड़े बड़े मॉल में गए होंगे, उस पर कोई स्टीकर नहीं, मॉल का स्टीकर लगा होता है या कुछ ऐसे कंपनियों का स्टीकर लगा होता है, उस पर कंपनी नहीं पड़ा रहता, किसी डब्बे पर नहीं पड़ा रहता है। आप कोई भी ले, या आप लेने गए होंगे, आप जरा सोचिए, आप कभी भी कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या मांगते हैं, कंपनी का नाम मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं भैया, कोई अच्छा सा सूट दिखा दो, तो अच्छा सा सूट दिखा देगा तो आपको जो सूट चॉइस आता है वही आप ले लेते हैं देख करके, तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों, आप करके देखिए। और यहाँ पे मैं जो कुछ भी शेयर करता हूँ, ये हम कर रहे हैं या हमारे रिलेटिव कर रहे हैं या हमारे जानने वाले कर रहे हैं, पूरा अनुभव के साथ शेयर करता हूँ, और आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है वो पूरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरा हेल्प करूँगा। मेरा मेन एक ही उद्देश्य है दोस्तों, पूरा आप अपने ऊपर खुद कोई चीज़, किसी के नौकरी करने के बजाय, किसी का प्रोडक्ट बेचने के बजाय आप अपना प्रोडक्ट बेचिए, आप अपना ब्रांड बनाइए, जिससे लाइफ में उससे आप काम जिस दिन नहीं करेंगे तो भी बिकता रहेगा। आज आपने अपना ब्रांड बना दिया, आज हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका से रिबोक आप जूता मंगा के फिर वो भी तो ब्रांड बनाए होंगे, 2-4-6 महीना जो भी लगा होगा उन्होंने तो ब्रांड बनाया, आज ब्रांड बना के कितना पैसा कमा रहे हैं, वही जूता होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो सिर्फ क्या है, उन्होंने अपने ब्रांड को बना दिया, और रेट क्या है, 10,000, 12,000, 15,000 लिख देते हैं, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, अगर वो 50% डिस्काउंट भी दे दिए तो भी तो 12,000 का 6,000 आप दे रहे हो, क्या लागत आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 रुपये दोस्तों। उसी तरह से सूट में भी है दोस्तों, 700 से 800 का आप चले जाएंगे, देखिए मार्केट, बड़ी मार्केट में बता रहा हूँ, दिल्ली चले जाइए, लुधियाना चले जाइए, यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, आप वहाँ से उठा लीजिए, आप 100 पीस उठाइए, 200 पीस उठाइए, 50 पीस उठाइए, आप मार्केट देखिए, पूरा मार्केट का सर्वे करिए, आपको खुद समझ में आएगा कितना है। हाँ, अगर आपको ब्रांड बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों, लेकिन जिस दिन आपका ब्रांड बन जाता है उसका खुद का पैसा, अपना ईगो देखो, अब दूसरे का क्या बेचे, दूसरे का बेचेंगे उसका प्रॉफिट होगा, आप अपना ही ब्रांड लेके थोड़े से पैसे लगा करके आप अपना ब्रांड बेचिए। बिजनेस में कितना पैसा किसी में नहीं है, वो भी मार्केटिंग में, अगर आप मार्केटिंग सेल्फ करना सीख गए तो सारी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लोग कहते हैं पैसे को आप, पैसे पास नहीं आता, पैसे को लाना पड़ता है, यही है पैसे, जब आप मेहनत करेंगे, आप
मार्केट के सेल्फ जान गए तो पैसा दौड़ के आपके पास आएगा दोस्तों। तो दो आप मार्केट कहाँ से लेना है आपको हमने बता दिया, साइज आप फ्री रखिए, आप 50 पीस लीजिए, आप 100 पीस से शुरुआत करिए, 200 पीस से शुरुआत करिए। आप उनके यहाँ जब जाएंगे दोस्तों हम बता रहे हैं कैसे लेना, आपको आप किस स्टेट से हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हर एक स्टेट में बड़ी मार्केट होती है दोस्तों, वहाँ पर आप चले जाएंगे, आप सर्च कर लीजिए, आपको सर्च करने का ऑप्शन बता दे रहे हैं, जैसे मैं तो बता दे रहा हूँ दिल्ली, लुधियाना, बम्बई, कोलकाता, ये सब फैंसी कपड़ों का फूड का पूरा भरा हुआ है मार्केट। आप निकल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिए, चले जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे चले जाइए, आप सर्च करिए सलवार फूड होलसेल मार्केट, सलवार फूड मैनुफैक्चरिंग कंपनी, तो पूरा डिटेल आ जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट बात करिए, उनसे बात करके वहाँ पे जाइए, आप विजिट करिए, विजिट करने के बाद आपको जो साइज लेना है उस साइज को आप डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड करने के बाद आपको 100 पीस लेना है, 200 पीस, 500 पीस, उनसे बात कर लीजिए कि भैया मेरा अहमद कहिए कि मैं नया हूँ, कहते भैया मैं एक काम करता था, अब तक माल मैं बॉम्बे से उठाता था, अब हमारे एक दोस्त आपके यहाँ बताए हैं, हम आपके यहाँ से लेना चाहते हैं, तो हम ये मार्केट बाई करके बेचते हैं, आपसे बनवाएंगे, उस पर पड़ा नहीं रहता, छोटा सा कागज लगा रहता, आप लोग जानते हैं दोस्तों, वहीं पे अपना स्टिकर लगाना है, अपना ब्रांड नेम लगाना है, अपना लोगो लगाना है दोस्तों। आप एक अच्छे से अच्छा सूट वहाँ जाएंगे, आपको 800, 700 जैसे आप लेंगे, अगर आप 500 का फूट ले रहे हैं तो उसको मार्केट में आप 2000 में एकदम इजीली बेच सकते हैं, अगर आप 1000 का ले रहे हैं तो उसको कम से कम 13000-14000 आप ये आप सर्च कर लीजिए, देखिए 13000-14000 में बेच सकते हैं, कुछ नहीं इसमें कोई तो अंदाज ही नहीं सकता आप कितना ले रहे हैं दोस्त, बस करते आप अब उसको बेचने की क्या है, बेचने का आप होलसेल बेचना चाहते हैं, आप दो ढंग से बेचना चाहते हैं दोस्तों, ऑफलाइन बेचिए, और अगर आपको बहुत महंगा बेचा है तो ऑफलाइन ऑनलाइन बेच दीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह बेचिए, एक साथ दोनों बेचिए, ऑनलाइन का दूसरा चूंकि MRP आप हाई रख दीजिए, जो आप ऑफलाइन दीजिए उस पर आप डिस्काउंट ज़्यादा दे दीजिएगा दुकानदार को, जो आप ऑनलाइन बेच रहे हैं उस पर भी 15-20% जैसे भी हो आप डिस्काउंट करके बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बेचना है आप चले जाएंगे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन मार्केट Amazon पे कैसे बेचें, तमाम वीडियो पड़ी हुई दोस्तों, सिर्फ करिए आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया क्या रखना है, कैसे रखना है, कहाँ से लेना है, आप जहाँ से भी हो आपके हर एक स्टेट में एक बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं, नहीं मार्केट हो तो जहाँ से भी हो थोड़ा सा एक बार खर्च करके आप वहाँ चले जाएंगे, वहाँ देख लेंगे, आप लुधियाना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, एक बार आप वहाँ जाएंगे वैसे टहल भी लेंगे शहर को, एक बार जब आपकी वहाँ से बात हो जाएगी तो वो आपको जाने फिर दोबारा ज़रूरी नहीं होगा, आप उनके अकाउंट में यहाँ पैसा डाल देंगे, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट से माल दे देंगे आपके दुकान पे, आपके एड्रेस पे माल आ जाएगा, आप माल आ जाएगा उसको अपने ढंग से अपना पैकेट करिए, पैकेट करने के बाद अपना लोगो लगाइए, अपनी MRP प्राइस लगाइए, अपने डिब्बे में पैक करिए, सेल कर दीजिए दोस्तों। हम कह रहे हैं जो आप 1000 में आपके कितने से शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 500 का कर लेंगे कम से कम 2500-3000 का बिकेगा, आप 1000 का लेंगे तो 12000-8000-10000 का बिकेगा, अब आपको डिपेंड करना है कितने से। हम तो यही कहेंगे अभी आप छोटे से शुरुआत करिए, आप 500-600 का लीजिए, 1200-1300 मीडियम क्वालिटी के, एकदम मीडियम क्वालिटी लीजिए, मीडियम क्वालिटी में तो भी आप 2 से 3 गुना में बेचेंगे, अपने प्रॉफिट 2 से 3 गुने से कम तो लेना ही नहीं है, इससे कम आएगा ही नहीं। अगर इसी को और बेटर बेचना है और महंगा बेचना है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उस पर कैसे आप करके उसी को आप 20000 में बेच सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका हो गया, ये लीजिए, ऐसे करिए, इस ढंग से बेचिए, ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन बेचिए। अगर आपने मान लीजिए 100 पीस से शुरुआत किया, आपने 500 वाला लिया है तो आपका 50000 हो गया, 50000 में आपने उठा लिया वो कम से कम आपका 15 लाख में एक दिन में अगर आप निकल रहे हैं तो इसकी दुकान की कोई वैल्यू नहीं, बहुत सारी दुकानें हैं, 5-5 पीस रखते जाइए, 5-5 पीस रख लिया, अगर आपने 20 भी बेच लिया तो भी आपका एक लोगों से 500 रुपये आ रहा है 10000 रुपये, आप सोच भी नहीं सकते, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप कितना बेचते हैं दोस्तों। तो ये बेच के ऑनलाइन बेचिए दोस्तों, ऑफलाइन बेचिए, जैसा भी हो दोस्तों वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कैसे है तो पूरा इसके बारे में हमारा अनुभव है, मैं आपको
एक एक पॉइंट पर आपको जानकारी दे दूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, हमें बताइए कैसे क्या करना है। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनके पास नीचे शेयर बटन बची है, शेयर बटन को दबा दीजिए, जिसके सबके पास वीडियो पहुंच जाए वो लोग भी काम करने लगे। उससे क्या होगा, दो तीन लोग आप लोग मिल के करोगे और उत्साह बढ़ेगा और कुछ होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इसी तरह से और वीडियो बनाऊंगा। मान लीजिए वीडियो आपके नहीं समझ मारा, इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। जो भी वीडियो समझ में आए, जिससे भी आपको काम करना हो आप उस पर भी कर सकते हो। और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।